एग्जिट पोल जो है जी वो जता रही है बीजेपी को दोनों राज्यों में, क्या कहेंगे आप? अब तो सामने आने वाला वक्त है, राम से हिमाचल के लोग जता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर गुजरात में भी बीजेपी वाले थोड़े बहुत हेरा फेरी ना करें तो कांग्रेस उधर भी आएगी। अच्छा, जो राहुल गांधी की यात्रा को लेके बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, यात्रा ही करता रहूंगा, बीजेपी कह रही है कि पार्लियामेंट को भूल के यात्रा की तरफ लगे, ये जरूरी है कि वो जरूरी है? पार्लियामेंट में तो वो अपने जैसे करते हैं, किस तरीके की पार्लियामेंट में किसी की राय लेते हैं, कोई लोग मुद्दे लाते हैं, जो बिल पास कराने होते हैं वो कराते हैं। आज वक्त यही है कि हिंदुस्तान की जनता को साथ जोड़ने की वक्त है, वो राहुल जी कर रहे हैं और जहाँ महात्मा गांधी जी ने की थी जहाँ कर रहे हैं। श्रीमती मुसीना के दुबई का जरा एक राजनीतिक सफ़र है, ये 40 वर्षों तो भी लंबा है। इस अज के दिन भी 1960 तो शुरू करके अज के दिन भी वो साढ़े जी शिखर से कांग्रेस की एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होंगी है जिथों कैंडीडेट्स तय होंगे ने सारी जगह के, वो मैंबर अज भी ने। तो इस करके इन्हों का जगह जगह जो एक वेरीड एक बहुत बड़ा लंबा तजर्बा रहा अलग अलग तरह का, वह इन्होंने वो जिक्र किया। एक बहुत व्डा पीरियड होंगे है 60 साल, तुम राजनीति में दो दौरान ये वक्ो वक् महकमें मिनिस्टर यूपी के रहे, केंद्र के रहे, जनरल सैक्रटरी भी पार्टी के बने, तो वो इन्हों का जो अनुभव तो है ही वो जो आदमी का बनता है उन्होंने एडा वा मिलता है। पर इन जी नम्रता है नाल वेखोगे जो मिलोगे इतने थोड़ी जो नम्रता है तो उस तो पता लगेगा कि किड्डा एडा वड्डा इन्हों दे एक अजी शख्सियत हैं श्रीमती मुसीना किदवई। अच्छा, एक जी सुखजिंदर रंधावा इंचार्ज लाया गया राजस्थान का, जो नवे होर भी दो अलावा इंचार्ज लाए ने, की लगता कि स्ट्रेंथ अच्छा किया है? यदा तो फैसला साडे कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं, मैं करने वाला नहीं हाँ, पर मैं इसका स्वागत करता हाँ पंजाबी होने के नाते, क्योंकि उन्होंने पंजाब के खजाने एक वड्डी अहम उत्थे जगह दिती है। राजस्थान नाल साडे लगता है उत्थे दे बनणगे इंचार्ज, उत्थे बहुत कम कर पाएंगे मैनू विश्वास है। मैडम, एग्जिट पोल जो है जी वो जता रही है बीजेपी को दोनों राज्यों में, क्या कहेंगे आप? अब तो सामने आने वाला वक्त है, राम से हिमाचल के लोग जता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर गुजरात में भी बीजेपी वाले थोड़े बहुत हेरा फेरी ना करें तो कांग्रेस उधर भी आएगी। अच्छा, जो राहुल गांधी की यात्रा को लेके बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, यात्रा ही करता रहूंगा, बीजेपी कह रही है कि पार्लियामेंट को भूल के यात्रा की तरफ लगे, ये जरूरी है कि वो जरूरी है? पार्लियामेंट में तो वो अपने जैसे करते हैं, किस तरीके की पार्लियामेंट में किसी की राय लेते हैं, कोई लोग मुद्दे लाते हैं, जो बिल पास कराने होते हैं वो कराते हैं। आज वक्त यही है कि हिंदुस्तान की जनता को साथ जोड़ने की वक्त है, वो राहुल जी कर रहे हैं और जहाँ महात्मा गांधी जी ने की थी जहाँ ये कर रहे हैं। श्रीमती मुसीना किदवई का जरा एक राजनीतिक सफ़र है, ये 40 वर्षों तो भी लंबा है। इस अज के दिन भी 1960 तो शुरू करके अज के दिन भी वो साढ़े जी शिखर से कांग्रेस की एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होंगी है जिथों कैंडीडेट्स तय होंगे ने सारी जगह के, वो मैंबर अज भी ने। तो इस करके इन्हों का जगह जगह जो एक वेरीड एक बहुत बड़ा लंबा तजर्बा रहा अलग अलग तरह का, वह इन्होंने वो जिक्र किया। एक बहुत व्डा पीरियड होंगे है 60 साल, तुम राजनीति में दो दौरान ये वक्ो वक् महकमें मिनिस्टर यूपी के रहे, केंद्र के रहे, जनरल सैक्रटरी भी पार्टी के बने, तो वो इन्हों का जो अनुभव तो है ही वो जो आदमी का बनता है उन्होंने एडा वा मिलता है। पर इन जी नम्रता है नालोगे जो मिलोगे इतने थोड़ी जो नम्रता है तो उस तो पता लगेगा कि किड्डा एडा वा इन्हों एक अजी शख्सियत हैं श्रीमती मुसीना किदवई। अच्छा, एक जी सुखजिंदर रंधावा इंचार्ज लाया गया राजस्थान का, जो नवे होर भी दो अलावा इंचार्ज लाए ने, की लगता कि स्ट्रेंथ है? अच्छा किया है, यदा तो फैसला साढ़े कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं, मैं करने वाला नहीं हाँ, पर मैं इसका स्वागत करता हाँ पंजाबी होने के नाते, क्योंकि उन्होंने पंजाब के खजाने एक वड्डी अहम उत्थे जगह दिती है। राजस्थान नाल साढ़े लगता है उत्थे दे बनणगे इंचार्ज, उत्थे बहुत कम कर पाएंगे मैनू विश्वास है।